नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपको लेके चलते हैं हमारे प्रैक्टिस हमसे की क्लास में, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर हम 10 प्रेजेंट करेंगे। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे होंगे कि लगेगा कि आपने सुना ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, मेरठ में या झांसी में? कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट या कोई भी ऐसे लोकेशन जो कि आपको हमेशा पूछी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता ही बनता है। तो रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका लखनऊ से। इसी तरह मैंने आपको कई सारे मॉन्यूमेंट्स पढ़ाए हैं, जैसे विट्ठल टेम्पल आपको बताया था कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम्पी में। द्वारिकाधीश बताया था कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, हजार राम मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे झांसी आपको पूछा गया था किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पाहोज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अवध को किस मुगल शासकों द्वारा एक शाही प्रांत के रूप में स्थापित किया गया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर जहांगीर? किस मुगल शासक के द्वारा किया गया? तो वो किया गया था अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अकबर ने इबादत खाना, ठीक है, यानी पूजा घर, उसके अलावा जो है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना भी करी थी, जो कि आपको पूछा जाता है। और अकबर के गार्जियन मैंने बताया था बैरम खान। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अकबर के गार्जियन का नाम क्या था? बैरन खान। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। बिशन दास किस राजा के समय सबसे अधिक उपहार पाने वाले चित्रकार थे? जहांगीर, टीपू सुल्तान, बाबर या फिर अकबर? तो मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाएगा गोल्डन पीरियड ऑफ, अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाता है, तो वो किसका हो जाएगा? जहांगीर का हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। चेन ऑफ जस्टिस भी पूछा जाएगा कि चेन ऑफ जस्टिस किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी। किस राजा के सम्मान के निशान के रूप में अमीर जमींदार को मुमविंदलेलन, अरियार आदि जैसे खिताबों से जो है कि खिताब दिए गए? त्रावणकोर राजा, चोल राजा, मालाबार राजा या फिर पांडे राजा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएंगे चोल राजा, चोल किंग। ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य, आधुनिक चोल साम्राज्य यानी चोल साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? विजयालय पूछा जाता है आपको, जिससे जबकि प्रारंभिक पूछा जाएगा तो एलारा और करिकाल क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अवध के नवाबों को शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में अवध पर शासन किया? 18, 17, 16 या फिर 15? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंचुरी के बाद। आपको ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। बड़ा इमाम बाड़ा को किस नवाब द्वारा बनवाया गया? बड़ा इमाम बाड़ा वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ दीज नवाब? मीर कासिम, सरफराज खान, वाजिद अली शाह या फिर असफ उद्दौला? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा असफ उद्दौला। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा असफ उद्दौला। बड़ा इमाम बाड़ा किस नवाब द्वारा बनवाया गया? असफ उद्दौला के द्वारा। 1921 में मोंटी गोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? कन्नौज, हड़प्पा, वैशाली या फिर मगध? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड़प्पा, ठीक है। जबकि मगध पूछा जाएगा तो विंध्याचल नदियों के बीच था, और मगध ध्यान रखिएगा एंशियंट हिस्ट्री में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है कि साम्राज्य कौन सा था? मगध था, क्योंकि इसके दोनों तरफ नदियां बहती थी और ये जंगल से संबंधित था, जंगल से सटा हुआ था, तो इस वजह से खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। और इस पर सबसे पहले शासन किसने किया था? तो वो किया था जो है कि आपका हर्यक वंश ने। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिम्बिसार। भारत में आने वाले पहले यूरोपी कौन थे? तो देखिए, मैंने आपको बताया है पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब था, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेकंड। दूसरा नवाब कौन था? शुजाउद्दौला बंगाल का। बंगाल का गवर्नर पूछा जाएगा तो क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वार्डन हेस्टिंग्स। इनमें से कौन दो बार बंगाल का नवाब बना? हु अमंग द दीज बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल ट्वाइस? मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीर जाफर। निम्नलिखित में से किस राजा ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिस्ट्रॉयड द सांची स्तूप? अशोक, पुष्यमित्र सुंग, सिमुक या फिर शिशुनाग? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र सुंग। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में, वैशाली में, कन्नौज में या फिर सत्यपूर्णा में? तो देखिए, पहले मैंने आपको बताई थी कहाँ पे, राजगृह में। दूसरी कहाँ पे हो जाएगी? वो हो जाएगी वैशाली में। तीसरी कहाँ पे हो जाएगी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ पे हो जाएगी? कुंडल ग्राम में, ठीक है, कुंडल वन में, जो कि आपको पूछा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटेन बाई हर्षवर्धन? रत्नावली, नागनंद, मनसलोसा या फिर प्रियदर्शिका। तो देखिए, रत्नावली भी किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के द्वारा। नागनंद भी किसके द्वारा? प्रियदर्शिका भी किसके द्वारा? तो ये सब जो है लिखी गई हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, जो तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनसलोसा। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना माना जाता है? छांदोग्य, मुंडक, बृहदारण्यक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको, कौन सा उपनिषद सबसे पुराना माना जाता है? तो वो हो जाएगा बृहदारण्यक। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है? ऐतरेय, थंड महा, गोपाथा या शतपथ। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थंड महा। जीवाका दरबारी चिकित्सक किसका था? तो जीवाका दरबारी चिकित्सक था बिंबिसार का। बिंबिसार किससे संबंधित था? हरेकवंश से। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने। 1919 के रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? अधिनियम सरकार को बिना किसी मुकदमे के कारावास के लिए अधिकृत किया। सही है, अधिनियम ने सरकार को भारतीयों को किसी भी कानून में अदालत दोषी ठहराने के लिए अधिकृत किया। ये भी सही है, अधिनियम सरकार को हैबियस कॉर्पस के अधिकार को लंबित करने में सक्षम बनाता है। उपयोग सभी। तो सही क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। इसी को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था, ये ध्यान रखिएगा। जब अवंती के शासक प्रद्योत पीलिया से पीड़ित थे तो उन्होंने अपने शाही चिकित्सक जीवाका को अवंती भेजा। कौन? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जीवाका किसका चिकित्सक था? बिंबिसार का। मराठा शासन में सरदेश मुखी एक थी, पेशवा के समकक्ष पदनाम था। मराठा शासन के दौरान एक सिक्का राजस्व पर लगाया गया कर शिवाजी का दिया गया नाम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्व पर लगाया गया कर। सरदेश मुखी और चौथ पूछा जाता है आपको। पंडित मदन मोहन मालवीय इनमें से किस राष्ट्रीय सप्ताह के संपादक थे? भारतीय संघल, बंगाल गजट, हिंदू देशभक्त या फिर इंडियन मिरर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? इंडियन यूनियन। लीडर भी पूछा जाएगा तो वो भी इनके द्वारा ही पत्रिका जो है प्रेजेंट करी गई थी। मगध साम्राज्य के अनुयायी राजा में से सेरेनिका के नाम से किसे जाना जाता था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या फिर कालाशोक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। अजातशत्रु को ध्यान रखिएगा किस नाम से जाना जाता था? कुणिक के नाम से जाना जाता था। ये भी पूछा जाता है आपको। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करी थी? हेनरी एस्किट ने, बोनार कानून ने या फिर डेविड लॉयड जॉर्ज ने या फिर जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में अधिनियमित एल्बर्ट विल के साथ जुड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बर्ट विट आपको पूछा जाता है कि एल्बर्ट विट किससे संबंधित है? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका रिपन से, ध्यान रखिएगा। दार्शनिक प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय सरकार के प्रत्यक्ष के नियंत्रण में था? खर्च करने वाला विभाग, कानून और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन या एक व दो। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक व दो, ध्यान रखिएगा। ये दोनों किसके पास था? तो वो सरकार के प्रत्यक्ष के नियंत्रण में था। निम्नलिखित में से किस वर्ष रॉलेट एक्ट अधिनियम को पारित किया गया? अभी जस्ट मैंने बताया कब हो जाएगा, 1919। इसको क्या कहा गया था? ब्लैक एक्ट कहा गया था। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ इसमें से तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दिए होंगे। अगर सही आंसर दिए हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बाकी रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेटें मिलते रहते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपको अगली अगली वीडियो में, और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करते रहिए, मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करते रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।